राजधानी में आज दुर्गाष्टमी और रामनवमी की धूम देखने को मिली। कई वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है जब दुर्गाष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देवी मंदिरों में हवन पूजन संपन्न हुआ, मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। शहर में विभिन्न स्थानों पर जोत जवारा कलश यात्रा निकाली गई, वहीं रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना और महाआरती की गई। भगवान श्री राम के जय घोष से शहर गूंज उठा। आस्था के पर्व पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। आज अष्टमी भी है और नवमी भी है, तो सुबह 6:49 तक अष्टमी थी और हवन जो है उसका नियम यह है कि अष्टमी प्रारंभ होना चाहिए, उसकी समाप्ति नवमी में होना चाहिए। उस हिसाब से हमने सुबह अष्टमी में हवन का प्रारंभ कर दिया था और नवमी में समाप्त हो गया। करीब 10:30 हमारे यहाँ महाआरती निपट चुकी और भक्तों का आना क्रम से जारी है और ये रात के करीब करीब 12 बजे तक चलता रहेगा। अब संयोग का तो ऐसा है, कभी 3 बजे रात में अष्टमी नवमी का संयोग बनता है, कभी 4 बजे रात में बनता है, बनते रहता है। और लेकिन बहुत लंबे समय बाद ये ऐसा हुआ है कि अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन मनाई जा रही है। मेरा नाम सूर्य मिश्रा है, पुजारी आकाशवाणी चौक कालीबाई मंदिर है। 8 दिन हम सब ने देवी की आराधना की। रायपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को देवी शक्ति दे, भक्ति दे, उनके जीवन में समृद्धि लाए। और आज भगवान राम को हम नमन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि रामनवमी के अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में समृद्धि आए, सबके दुख का निवारण हो और जहाँ जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से सेवाएं दे छत्तीसगढ़ की उन्नति के अंदर में। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.